नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने चैनल कुकिंग विद शेफ आसू में। दोस्तों, पनीर टिक्का तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन ये होटल में बनता कैसे है, आज मैं आपको यही दिखाऊंगा, एक आसान सा तरीका पनीर टिक्का बनाने का। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं ढेर सारे मसाले। अब जैसे जैसे इनको मैं मिक्स करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तो चलिए मिक्स करते हैं। यहाँ पे एक बाउल में मैंने लिया है आधा कटोरी हैंग कर्ड। हैंग कर्ड मतलब गाढ़ा दही, या जिस दही का हम लोग पानी निकाल देते हैं, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, और अब इस पेस्ट को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, दही और मिर्च का कितना सुंदर कलर यहाँ पे आ गया है। दो चम्मच बारीक पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच किचन किंग पाउडर, दो चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच यहां पर मैंने मिलाया है नींबू का रस। ये देखिए, तो बनकर तैयार हो गया है हमारा पनीर का मसाला। यहाँ पर मैंने लिए हैं पनीर, टमाटर और शिमला के मीडियम से क्यूब। बस ध्यान रखना है, जो ये पीस काटेंगे ना, इन्हें ज़्यादा बड़ा और एकदम छोटा भी नहीं करना है, इनका साइज मीडियम ही रखें। मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और अब जो हमने मसाला बना के रखा हुआ है ना, उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पनीर और सब्जियां है ना, उन्हें मसाले में अच्छे से लपेट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। बस अब पनीर के पीसेस को ना एक एक करके स्कीवर में डाल देंगे, और बीच में डालेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम और टमाटर। इससे क्या होगा ना, पनीर में एक ग्रिप बन जाएगा, और जब आप पनीर को तंदूर में कुक करेंगे ना, तो पनीर के पीस नीचे नहीं गिरेंगे, और साथ में क्या होगा, एक टेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए अब करते हैं इसका कुकिंग प्रोसेस। यहाँ पे तो मैंने इसको सीधे सीधे तंदूर में डाल दिया है। अगर आपके पास तंदूर अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे गैस के ऊपर भी मीडियम आंच पे सेक सकते हैं। ये देखिए, पनीर हमारा बढ़िया से एकदम सिक चुका है, और अब करते हैं इसे गर्मा गर्म सर्व। सच मानिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, अपने सुझाव मुझ तक ज़रूर भेजें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।